हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस पुलाव को और भी प्रोटीन रिच बनाने के लिए मैंने इसमें पनीर भी यूज़ किया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ही ईजी है और ये खाने में सुपर डिलीशियस बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक कप बॉइल्ड चना, बॉईल करने के बाद ये एक कप है। दो कप पके हुए राइस, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, दो बड़े चम्मच मैंने पनीर लिया है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। खड़े मसालों में एक तेज पत्ता है, दो लौंग, दो हरी इलायची और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है। सूखे मसालों में मैंने आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, उसमें लगभग एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल के गरम होने पर सबसे पहले उसमें खड़े मसाले डाल देंगे और इनको 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें प्याज डाल के इनको ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। प्याज के फ्राई होने पर इसमें टमाटर और सूखे मसाले ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि टमाटर मैश नहीं हो जाते। आप चाहें तो इसमें एक छोटी चम्मच चना मसाला भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर मैश हो गए हैं, अब मैं इसमें पनीर और चना डाल दूंगी। इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी सो दैट कि चने में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें राइस डाल के मिक्स कर दूंगी। इस रेसिपी को आप बचे हुए राइस से भी बना सकते हैं। राइस को मिक्स करने के बाद अब इसको एक लिड से कवर करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि राइस में भी सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। चेक कर लेते हैं, हमारे राइस बनके तैयार है। अब लास्ट में इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। चना राइस बनके तैयार हो गए हैं, इनको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। चना पुलाव बनके तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।